आखिर क्यों चिड़िया की एक प्रजाति के ना होने से चीन में गंवानी पड़ी थी करोड़ों लोगों को अपनी जान। क्यों एक शख्स 33 सालों से बिना एक भी पैसा लिए कर रहा है ट्रैफिक पुलिस की नौकरी, और बहुत सी एडवांस गन होने के बाद भी क्यों किया गया AK-47 का आविष्कार। जी हाँ दोस्तों, आज हम इन्हीं फैक्ट के बारे में जानेंगे, तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप सभी के मन में ये सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा कि दूसरी ऑटोमेटिक गन होने के बाद भी AK-47 जैसी खतरनाक गन को बनाने की आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी। दोस्तों, असल में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मिखाइल कैलाश निकोव, जो कि AK-47 के इन्वेंटर हैं, उनका और उनके कमांडर का सामना जर्मन आर्मी से हो गया था, और फायरिंग के दौरान उनके कमांडर की गन जाम हो गई, जिसके चलते उनके कमांडर की जान चली गई। उसी दिन मिखाइल कैलाश निकोव ने ये सोच लिया कि वो एक ऐसी गन बनाएंगे जो कभी जाम ना हो, साथ ही किन्हीं भी हालात में फायर करने में सक्षम हो, जिसके बाद 5 साल की कड़ी मेहनत कर उन्होंने आविष्कार किया AK-47 का। दोस्तों, AK-47 में A का मतलब ऑटोमेटिक, K का मतलब कैलाश निकोव, जो उनका नाम है, और 47 मींस 1947, जिस वर्ष में इसका आविष्कार हुआ था। दोस्तों, ये गन पूरी तरह कीचड़ में होने पर भी बिना जाम हुए लगातार फायर कर सकती है। ये किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि 30 लाख से भी ज्यादा लोगों के मरने का कारण यही गन है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, दिल्ली के रहने वाले गंगाराम, जिनकी उम्र करीब 75 साल है, ये सरकार से एक भी पैसा लिए बगैर 33 सालों से रोजाना दिल्ली के सीलमपुर चौक पर 13 घंटे ट्रैफिक पुलिस की नौकरी करते आ रहे हैं। दोस्तों, दरअसल 34 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में गंगाराम ने अपने बेटे को खो दिया, जिसके कुछ समय बाद ही बेटे की मौत के गम में इनकी वाइफ की भी डेथ हो गई। उसी दिन गंगाराम ने ये फैसला कर लिया कि जैसा इनके परिवार के साथ हुआ वैसा ही किसी और के परिवार के साथ नहीं होने देंगे, और तब से लेकर आज तक ये रोज अपनी कही बात को सच साबित कर रहे हैं। दोस्तों, इनके इस जज्बे के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, 1958 में चीन के शासक माओ ज़ेडोंग ने चीन में एक नई योजना लागू की, जिसका नाम 4 टेस्ट कैंपेन रखा गया। इस योजना का मकसद चीन में से 4 ऐसे जीवों को खत्म करना था जो देशवासियों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाते हो। इन 4 जीवों में गोरैया चिड़िया, मच्छर, चूहे और मक्खियां थी। दोस्तों, दरअसल चीनी सरकार को लगता था कि गोरैया चिड़िया उनके खेतों में लगी फसल को खा जाती थी, और क्योंकि गोरैया चिड़िया को छोड़कर बाकी सभी जीव अपने आप को छिपाने में सक्षम थे, इसीलिए वहाँ पर इन चिड़ियाओं का शिकार बहुत अधिक तादाद में होने लगा। जो जितनी ज्यादा चिड़ियाएं मारता उसे पुरस्कार मिलता, और इसके कंपटीशन भी होने लगे। देखते ही देखते चीन में लगभग सभी गोरैया चिड़ियाएं खत्म हो गई, पर इसकी कीमत चीनी सरकार को तब चुकानी पड़ी जब उनकी फसलों पर टिड्डियों और कीड़ों ने हमला कर दिया, और गोरैया चिड़िया के ना होने से टिड्डियों का शिकार करने वाला कोई पक्षी मौजूद नहीं था, जिसके चलते चीनी लोगों की पूरी फसल बर्बाद हो गई, और चीन में 1958 से 1962 तक भुखमरी का दौर रहा, जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।